अरे हम लोग साथ में खड़े हैं। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। मैं लास्ट में एक महीने पहले बात की थी उनको, मैं समझाने को ट्राई किया था उनको। मैंने बोला मेरी पर्सनल लाइफ आप सोशल मीडिया पे मत लाओ, जो भी हमारा राइवली है, बिजनेस राइवली है, वो चलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ पे आना, मैं किसको डेट कर रहा हूँ, मेरी मैनेजर क्या है, कौन है, ये सब करना इनको नहीं शोभा देता। जब आपको कोई किसी के खिलाफ आपको कुछ आपको नहीं मिलता है तो आप ये सब चीज़ें करते हो। और इनका काम, ये काम इनका 3 साल से 4 साल से चल रहा है। आप करणधीर राजपूत को उठा के देख लो, आप जबीन अहमद को देख लो, आप हमदान पठान को देख लो, सिद्धांत जायसवाल को देख लो, आप कितने एथलीट उठा के देख लो देश के, सारे एथलीट के साथ एक ही चीज़ हुई है, साइबर बुलिंग। और साइबर बुलिंग रुकना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और ये बंदे को अंदर जाना इम्पोर्टेंट है। और मैंने मांग की है पूरी की पूरी। वो स्टेरॉइड के ऊपर जो बोल रहे हैं, वो स्टेरॉइड के रैकेट की बात कर रहे हैं। मैं तो एथलीट हूँ, एक काम करो तो सारी मीडिया को भेज दो, ठीक है, मेरे घर पे भेज दो, पुलिस को भेज दो। अगर मैं ऐसा कुछ भी चीज़ मेरे पास मिलती है तो मुझे डाल दो सलाह, क्योंकि पीछे कोई दिक्कत नहीं है। मनसे का सपोर्ट पूरा है, ये मनसे के कार्यकर्ता हैं, खड़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने भी बोला है, शालिनी ताई ठाकरे ने बोला है, मनसे के और वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी बोला है कि हम जल्दी आपको रास्ता आपको मिलाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। और स्टेरॉइड के बारे में आपने भी पूछा, स्टेरॉइड के बारे में जो दिखा रहे हैं वो जो पेप्टाइड्स होते हैं वो स्टेरॉइड में काउंट नहीं होते हैं। वो पेप्टाइड्स भी वो कैसे लेके घूम रहे हैं? अगर आप बोल रहे हो कि रैकेट चल रहा है तो आप उस वो पेप्टाइड्स को दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा लेके कैसे घूम रहे हो? आप खुद एक जुर्म कर रहे हो। और आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं स्टेरॉइड रैकेट चल रहा हूँ। अगर स्टेरॉइड रैकेट चलाता हूँ, मुंबई पुलिस को पूरी इजाज़त है, मेरे ऊपर पूरा ट्रैप रखा जाए, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा घर चेक किया जाए, मेरा ऑफिस चेक किया जाए, अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसके लिए मैं पात्र हूँ। ऐसे को टारगेट यही करते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि मुझे लगता कि मिस्टर ओलंपिया में चैंपियनशिप में कोई भी इंडिया का एथलीट पहुंच सकता है। तो 8 साल आज पूरे हो चुके हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सारे एथलीट ट्राई कर रहे हैं, और मेरा इस साल ड्रीम पूरा हो जाता और मैं इंडिया को लिए कुछ करता वहाँ पे। तो उनको उनका ईगो है कि 10 साल मैंने बोला, 8वें साल में कैसा बंदा पहुँच गया। अगर मैं पहुँच गया तो उनका नाम नीचे हो जाएगा, मेरा नाम ऊपर हो जाएगा। तो इसी चक्कर में वो शायद ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी गलत है। फिटनेस इंडस्ट्री का उनको आइकन बोला जाता है, तो आइकन का काम होता है कि एक एथलीट को लिफ्ट करना, क्योंकि एक एथलीट एक हम्बल फैमिली से आता है। तो उनका काम है, उन्होंने भगवान ने उनको बहुत शोहरत दी है, बहुत अच्छा नाम दिया है, उस चीज़ को हमें सपोर्ट करने में लगाएंगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।